हेलो सर, कैसे हैं आप लोग। देखिए, इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर ऑटो कट नहीं होता है और कंटिन्यू अगर आपका सिस्टम ओवरफ्लो करता है तो आपको क्या क्या चीज़ें करना है और कैसे आप उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसमें बताऊँ। वैसे बहुत सारे टाइप्स के बॉल कॉक, इनलेट वाल्व, असेंबली बहुत सारे टाइप्स के आते हैं। सभी वीडियो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर है, वहाँ से मिल जाएगा आपको। तो जो है अलग अलग तरीके का रिपेयरिंग का मेथड है। अब देखिए, इसी में मैं आपको बता दूं, इसमें चार पांच जगह जो है वाशर्स लगे हैं जहाँ से वो जो है, देखिए एक कैप है, ये सिंपल सा, इसको आपको खींचने से बाहर आ जाता है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, इसका जो है जितने जगह वाशर जहाँ जहाँ, मतलब एक ये चीज़ मान के चलिए कि इसके रिपेयरिंग का तरीका जो है, रिपेयरिंग कई जगह से ख़राब होता है, तो हर जगह से ख़राब होगा, जहाँ जहाँ से ख़राब होता है उसको वहीं वहीं पे आपको उसी को रिपेयर करना होता है। तो एक साथ मैं आपको नहीं बता पाऊँगा सारे चीज़, तो इसमें आपको मैं बता रहा हूँ कि ओवरफ्लो की अगर प्रॉब्लम आती है तो आपको मेन करना क्या होता है। अगर नहीं ऑटो कट हो रहा है, क्लीनिंग के बाद भी, साफ़ करने के बाद भी ऑटो कट नहीं हो रहा, तो आपको करना क्या है वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, तभी सारी चीज़ें आप समझ पाएंगे। देखिए, ये है, ये लॉक पिन लगा हुआ है यहाँ पे, एक प्लास्टिक का। आपको इसको पहले खोलना है, कहीं पे आपको ताकत नहीं लगानी, ज़बरदस्ती नहीं करना, आराम से खोलना है। ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक का है, ज़्यादा ताकत लगाएंगे तो टूट जाएगा। थोड़ा बहुत तो ऐसा नहीं, इतने ईजिली तो नहीं टूटता है, लेकिन फिर भी अगर बहुत ताकत, प्लास्टिक तो प्लास्टिक ही होता है। देखिए, ये पिन हमने खींचा, बाहर आ गया ये। ठीक है, ये पिन बाहर आ गया। कभी कभी ये पिन नहीं बाहर आता, बहुत टाइट होता है खींचने पे, तो उस पर ज़बरदस्ती नहीं करना। देखिए, ये जो कॉलर बना हुआ है, इसको आप चाकू से, ब्लेड से ऐसे इस तरीके से रगड़ सकते हैं, ऐसे आप रगड़ सकते हैं, थोड़ा राउंड शेप में हो जाएगा वो, तो आसानी से खींचने से प्लास से निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप साफ कर से रगड़ सकते हैं, थोड़ा सा स्क्रैच कर सकते हैं। देखिए, यहाँ कॉलर दिख रहा है, इसको थोड़ा गोल कर देना है बस, रगड़ के फिर खींचना है। अब देखिए, ये चीज़ है, हमने इसको बाहर निकाल दिया। अब हमें ये ऊपर का जो है, हाँ, इसको खोलना है, लेकिन इसको खोलने के लिए भी मैंने दूसरे वीडियो में दिया हुआ है प्रोसेस, कैसे खोलना है, कैसे तरीके, किस तरीके से खोलना है। अगर इसमें आपको बहुत ताकत लग रही है, बहुत ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है, तो प्लीज़ मत करिएगा, कमेंट में जाके कमेंट करिएगा कि खुल नहीं रहा, तो मैं आपको सारी चीज़ें बता दूँगा। देखिए, अब इस तरीके से प्लास फंसाया हमने, और नीचे को प्रेस करना है, आपको दबा के फिर घुमाना है, नीचे कस के दबाना है, प्लास नहीं दबाना है आपको, और हल्का सा इशारे से प्लास से पकड़ना और फिर घुमा के खोलना। देखिए, खुल गया ये। देखिए, इसमें एक ब्लैक कलर का वाशर लगा हुआ है। सबसे पहले आपको इस वाशर को चेक करना है और क्लीन करना है। देखिए, यहाँ से किनारे से, मैं आप जहाँ पे फिंगर मार्किंग कर रहा हूँ, यहाँ से जब ये वाशर ज़्यादा अंदर चला जाता है, घिस जाता है थोड़ा सा, तो यहाँ से जो है, देखिए इस तरीके से यहाँ से जो है लीकेज स्टार्ट हो जाता है। तो एक तो ये है, इसके लिए भी जो मैंने बताया वो सारी चीज़ें। दूसरा, ये ऊपर से देखिए, जो ये बेस है वाशर का, ये बेस यहाँ पे बैठता है। देखिए, इसको यहाँ पे पानी ब्लॉक करता है, ये इस तरीके से इसको सील कर देता है पूरा, ये जो बेस है, जब ऑटो कट होता है तो ये सील कर देता है, पानी कट हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस वाशर को देखिए, मैं निकाल रहा हूँ, इस वाशर को बाहर निकालिए। ये आसानी से निकल जाता है, कोई बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। देखिए, बाहर आ गया वाशर। ठीक है, अब इसको आपको पूरा चेक करना है प्रॉपर। ठीक है, कहीं पे कटा फिटा ना हो। और इसको सबसे मेन चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी क्लीन करने, पूरा ढंग से क्लीन करना है, थोड़ा सा दो फुट हार्पिक ले लीजिए इस ब्रश पर, और इसको आराम से ब्रश से, ना कि कोई चाकू या कोई धारदार चीज़, क्योंकि अगर इस पर कहीं स्क्रैच पड़ गया इस जगह पर, तो फिर पानी ऑटो कट नहीं होगा, ईयर पास होगा तो दिक्कत होगी। तो इस पर आप दो चार बूंद इस ब्रश पे हार्पिक लगाइए, और हार्पिक से इसको सॉफ्ट टूथब्रश ले लीजिए, और अंदर बाहर पूरी तरीके से इसको क्लीन करिए। ठीक है,
इस पे कहीं पे भी कोई चीज़ डिपॉजिट नहीं होना चाहिए, जैसे पानी का हार्डनेस, साल्ट या इस टाइप का। ये पूरा क्लीन करना है आपको हाथ से, ब्रश से रगड़ के, कोई धारदार चीज़ या कोई लोहे की चीज़ या चाकू से नहीं रगड़ना है, और चेक भी करना है कि कहीं कटा पिटा ना हो। दूसरा देखिए इसमें कि ये ब्लैक कलर का, देखिए यहाँ पे एक वाशर लगा हुआ है, इस वाशर को भी आपको चेक करना है। अगर ये वाशर यहाँ आगे से, जैसे ये है यहाँ साफ़ कर रहे हैं आप, ये गहरा हो गया, कट गया या ख़राब हो गया आगे से, तो इसको आप पलट सकते हैं। ठीक है, पहले तो क्लीन करना है। अगर ठीक है वाशर, ठीक है, आपको लग रहा है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उससे, ये वाशर इस पिन होल को बंद करने का काम करता है। ये जो पिन होल देख रहे हैं आप, ये पिन होल को यहाँ पे वाशर ये इसको ब्लॉक करता है और वैक्यूम क्रिएट करता है और ऑटो कट हो जाता है। तो ये वाशर का भी काम है, ठीक है, कि इसको ब्लॉक करता है। ये पिन होल भी आपको साफ़ रखना है, ये पिन होल जो देख रहे हैं ना आप, पिन होल को भी, पिन होल में कचरा बैठ जाएगा तो पानी नहीं आएगा, तो इसलिए पिन होल भी आप सेफ्टी पिन वगैरह साफ़ कर सकते हैं। अब देखिए ब्लैक कलर का जो वाशर है, इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ इसको कैसे पलटना है। अगर यहाँ से ख़राब हो गया है तो देखिए ये निडल है, ये ऊपर एक होल बना हुआ है, ये सुई लिया मैंने इसमें, और यहाँ से पीछे की तरफ से इसको आप दबाएंगे बाहर की तरफ, तो ये वाशर बाहर आ जाएगा। ठीक है, देखिए बाहर आ गया। अब इस वाशर को आप पलट सकते हैं साफ़ करके। ठीक है, इस वाशर को आप चेक कर लीजिए, अगर ये आगे से पहले जिस तरफ से था, देखिए निशान बना हुआ, अभी तो निशान ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मैं इसमें आपको बता दूं, अगर कभी ख़राब हो जाए तो इसको आप पलट के लगा सकते हैं। देखिए ये वाशर आपका पलट दिया, और पलट करके प्लेन है पूरा एकदम, अंदर का नहीं ख़राब होता जल्दी, वो सेफ़ रहता है, तो इसको पलट के लगा दें। कभी ख़राब होता है तो थोड़ा सा आप जो है शेविंग ब्लेड से काट सकते हैं, काट के इसके अंदर छोटा हो जाता है, तो इसके अंदर कोई टैप ऑन टैप वगैरह डाल के वाशर को आप लगा सकते हैं, तो ये वाशर भी अच्छा चलता है। कोई भी वाशर लगाएंगे यहाँ पे इस साइज़ का तो चलेगा। ठीक है, मैं इसका भी बना दूंगा वीडियो कि अगर ख़राब हो जाए ये वाशर तो आपको कैसे दूसरा वाशर लगाना है। मार्केट में नहीं मिलता है, देखिए हमने इसको पलट के लगा दिया, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि वाशर ख़राब है कि नहीं है। अगर ख़राब है तो इसे ज़रूर पलट दें, ख़राब ना हो तो अच्छे से क्लीन कर दें इसको बस। ठीक है, तो ये यहाँ से देखिए कई बार यहाँ पे जो पीछे मैं आप दिखा रहा हूँ जहाँ से मैंने नीडल डाला था, यहाँ पे कई बार होल नहीं होता है, ये होल नहीं होता कई बार यहाँ पे, तो आप इसको जो है आगे की तरफ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप सुई से लेकर के किनारे की तरफ से जो है इसको धीरे धीरे बाहर की तरफ करके निकाल सकते हैं। देखिए ये निकल गया बाहर, हल्का सा हमने यहाँ पे सुई फंसाया और ऊपर की तरफ खींचा तो ये निकल गया। तो इसको भी आपको अच्छे से क्लीन करना है, ख़राब है तो पलटना, नहीं ख़राब है तो आप निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे ही आपको क्लीन कर देना है। अगर ख़राब नहीं है तो नहीं निकालना है, ख़राब है तो निकालना है, ख़राब नहीं है तो सिर्फ क्लीन करना है, इसको साफ़ करना है, और वो भी आप ब्रश से। ठीक है, कहीं पे स्क्रैच नहीं पड़ना चाहिए। अब देखिए मैं आपको इसमें दिखा दूँ करना क्या है। अब इसको भी आपको क्लीन करना है, इस पर भी कहीं डस्ट, कहीं वाटर हार्डनेस या कहीं साल्ट वगैरह जमा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस पर जमा रहेगा तो वाशर इसको पूरी तरीके से सील नहीं कर पाएगा। इस पर आप हारपिक डाल दीजिए, थोड़ा सा 2000 बूंद हारपिक डालिए इस पर। हारपिक डालने के बाद में इस तरीके से ब्रश से उसको रगड़ दीजिए, 2-4 मिनट छोड़ दीजिए, फिर पानी से धुल के उसको क्लीन करके फिर उसको आप क्लीन कर सकते हैं। पानी से धुलने के बाद, हारपिक डालने के बाद, अगर सारा क्लीनिंग के बाद भी ऑटो कट नहीं हो रहा है, फिर भी ऑटो कट की प्रॉब्लम बनी हुई है, नहीं हो रहा है ऑटो कट, ओवरफ्लो कर रहा है, तो आपको दो चीज़ें करनी है, वो ध्यान से देखिएगा मैं जो चीज़ें बताऊंगा, वो दो चीज़ें करनी है। सारा क्लीनिंग के बाद नहीं ऑटो कट हो रहा तो ये दो चीज़ आप ज़रूर करिएगा और होगा। देखिए टेप्रॉन टेप है, ये मार्केट में किसी भी सैनिटरी शॉप से आपको मिल जाएगा, आसानी से मिल जाता है, कहीं आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी सैनिटरी शॉप पर जाएंगे, टेप्रॉन टेप लेंगे, मिल जाएगा। ठीक है, इस टेप्रॉन टेप पर हमने थोड़ा सा टेप निकालना है, देखिए इतना बड़ा हमने टेप निकाला, बहुत ज़्यादा नहीं निकालना है, थोड़ा सा निकालना है। अगर कभी लगे आपको कि नहीं ऑटो कट रहा, थोड़ा सा और बड़ा टेप्लॉन टेप, थोड़ा मोटा वाशर बना सकते हैं आप। और देखिए ये वाशर है, ठीक है, अब इसको देखिएगा, इसका वोरिंग बनाने का मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, जैसे आप मैं इसमें बनाया जो जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ, ऐसे ही आप बनाएंगे तभी साइज़ का बन पाएगा, ये छोटा बड़ा हो जाएगा। देखिए इस तरीके से इसके ऊपर से जो है
जैसे इसमें मैंने पकड़ रखा वैसे आपको पकड़ना, बीच में आप पकड़ के उंगलियों के बीच में टैप को लगा घुमाते रहेंगे तो ये बन जाएगा। देखिए जैसे मैंने ये पकड़ा हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है, वॉशर के ऊपर बाहर बाहर से टेप हमें लपेटना है। ये सिर्फ इसलिए लपेट रहे हैं क्योंकि ये जिस साइज़ का हमें ओरिंग बनाना है, वॉशर बनाना है, उस साइज़ का बन जाएगा। तो इस तरीके से इसको लपेटना है आपको। देखिए इस तरीके से बीच में मेरे उंगली के बीच में टैप चल रहा है, नहीं तो ये इतना थिकनेस नहीं है इसका मोटा कि जो है ये इसके ऊपर टिकेगा, ठीक है, नहीं टिकेगा, परेशान हो जाएंगे आप, बन नहीं पाएगा। तो इसी तरीके से सेम आपको यही फॉलो करना है और इस तरीके से ही जो है आपको ये वॉशर बनाना है, ठीक है, टेफ्लॉन टेप का वॉशर बनाना है आपको। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, आपको कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ जोर जबरदस्ती मत करिएगा, और कोई चीज़ देखिएगा आप खोलते समय आपसे मिसिंग ना हो, बल्कि खोलते समय आप नोटिस ज़रूर कर लीजिए कि हमने खोला कैसे था, जो चीज़ आपने खोला था जैसे उसको वैसे ही आपको फिट करना है। अगर कोई दिक्कत आती है आपको, कोई और प्रॉब्लम है, मेरे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएंगे। देखिए ओरिंग बन गया उसी साइज़ का, मेरे चैनल पे वीडियोज़ हैं, अगर मिल जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो नीचे लास्ट में जा करके आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट के थ्रू अपना अपनी जो प्रॉब्लम है वो शेयर करिएगा, तो मैं आपको या तो उससे रिलेटेड कोई वीडियो बना दूंगा, और अगर पहले से मेरे चैनल पे वीडियो होगा तो उसका लिंक मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। देखिए ये ओरिंग बन गया, ये हमने इसके ऊपर लपेट के बनाया क्योंकि हमें जिस साइज़ का चाहिए था। देखिए यहाँ पर ग्रूफ है, आप देख पा रहे हैं ये किनारे के यहाँ जिसमें वॉशर बैठता है, उस ग्रुप में हमें ये ओरिंग डालना है अंदर। ये जो ग्रुप कटा हुआ है अंदर, ठीक है, उस ग्रुप में हमें ये वॉशर को भरना है जो वॉशर हमने बनाया है। इसको हमने आराम से इसके अंदर डालना है क्योंकि रिपेयरिंग का, देखिए एक ही जगह से आप रिपेयर करेंगे सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगे ऐसा नहीं होता किसी भी असेंबली में। तो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पे ओरिंग, ये वॉशर जो बनाया ये हमने अंदर भर दिया, और इस वॉशर को ध्यान रखना, देखिए ये अंदर का हिस्सा है और ये जो उभरा हुआ हिस्सा है ये बाहर रहेगा। इसको उल्टा अगर आप लगा देंगे वॉशर को तब भी ऑटो कट नहीं होगा, इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि अंदर और बाहर का हिस्सा आपने प्रॉपर लगाया है, उल्टा नहीं लगाया, उल्टा लगाएंगे तो भी कंटिन्यू प्रॉब्लम बनी थी। इस वॉशर का ध्यान रखना आपको कि अंदर कौन सा है और बाहर कौन सा है। देखिए ये बाहर का है और वो अंदर का हिस्सा है, जो वॉशर का उभरा हुआ हिस्सा है वो बाहर रहेगा और जो गहरा हिस्सा है वो अंदर रहेगा। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि आपका वॉशर जो है सीधा लगे। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ कि देखिए ये जो यहाँ पर देख रहे हैं आप, देखिए इसमें दो नाली टाइप के दिख रहे हैं जो पिन है ना प्लास्टिक का, इसमें देखिए दो जगह खांचे कटे हुए हैं, इसको एकदम नीडल से सेफ्टी पिन से क्लीन करना है। इसके अंदर कई बार डस्ट जम जाता है पानी का, तो ये अंदर पानी नहीं जाएगा तब भी ऑटो कट नहीं होगा। तो इसको भी आपको, देखिए मैं इसको सुई से साफ करके दिखा रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे, देखिए दोनों तरफ कट लगा हुआ है, ठीक है, इसमें नाली टाइप की बनी हुई है, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए ये नाली टाइप का बना हुआ है, इसके अंदर कई बार डस्ट जम जाता है और अंदर पानी नहीं जाता वॉशर के अंदर, ये पानी जाने के लिए इसको काटा गया है। देखिए इसको नीडल से सुई से इस तरीके से साफ करना है, इसके अंदर कोई भी डस्ट वगैरह ना हो, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता दूं उसका पर्पज़ ये है कि अगर ये दोनों साइड से कट रहेगा नहीं रहेगा तो पानी नहीं जाएगा अंदर, तो वॉशर जो है आपका ऑटो कट तब भी नहीं करेगा। देखिए हमने बिठा दिया इसको प्रॉपर, और देखिए ये हम कुछ बार बार दिखा रहे हैं क्योंकि ये बहुत लोग इसका ध्यान नहीं देते हैं और कर देते हैं, फिर वो अंदर पानी नहीं जाता है तो ऑटो कट नहीं होता है, तो वो भी ऑटो कट के लिए एक समस्या आती है, ठीक है। एक ही असेंबली में 10 तरीके की चीज़ें होती हैं जो 10 तरीक़ों को जो है समझना पड़ता है। देखिए हमने वॉशर बिठा दिया, ठीक है, और ये वॉशर बिठाने के बाद हम दिखा रहे हैं आपको इसमें, देखिए अब आप क्लियर दिखेगा आपको, देखिए ये जो किनारा है इसका
पूरा ये देखिए बाहर आ गया, ठीक है। ये हमने प्रॉपर जैसे बैठा था वैसे बिठा दिया। इससे जब पानी अंदर जाता है, जब इस होल से पानी जाता है, तो जब यहाँ से वहाँ से पानी अंदर जाता है और ये ऊपर से जब पानी भर जाता है, जब ये पिन होल को बंद करता है, ऐसे पिन होल को जब ये ऐसे इसके ईयर को बंद कर देता है, ईयर पास नहीं होता कहीं से, तब क्या करता है, ये पानी जो है यहाँ से अंदर पानी जाता है, ये जो वाइट पिन देख रहे हैं आप, इससे अंदर पानी जाता है, ठीक है। और पानी जाने के बाद जो है ये वाशर को बाहर की तरफ धकेलता है, इस तरीके से बाहर आता है वाशर। और बाहर आने के बाद जो है ये ऊपर से जब बंद है पिन होल, तो वाश पानी के अंदर भरेगा, तो वाशर ये जो है इसके अंदर पानी भरता रहता है, भरता रहता है। जब ये पानी भरता है तो वाशर बाहर की तरफ आता है, देखिए इस पिन होल से पानी अंदर जाता है, तो ये ऐसे ही जो है वाशर ये बाहर आता है पानी भरने के बाद, और बाहर आकर के इसको सील कर देता है। यहाँ से पानी आता है, इसको ये वाशर जो है, ये बेस जो देख रहे हैं आप, ये बेस जा कर के उसके ऊपर उसको ब्लॉक करता है, पानी ऑटो कट हो जाता है, तो ये इसको ब्लॉक करता है। देखिए यहाँ पे ब्लैक कलर का वाशर बैठ जाता है इस तरीके से, ऐसे इसको दबा देता है और ऑटो कट हो जाता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है कि वो सेंटर का जो पिन है उसको भी नीडल सुई से साफ करना है, ठीक है। अब एक तो हमने ओरिंग लगा दिया बना करके, ऑटो कट फिर भी नहीं हुआ, ठीक है। देखिए ये उभरा हुआ से बाहर रहेगा हमेशा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कई बार वाशर अगर उल्टा लगा देंगे तो काम नहीं करेगा। अब दूसरा क्या करना है आपको, और उसके बाद तो एक फेविक्विक देखिए, ये फेविक्विक ज़रूरी है, एक फेविक्विक लीजिए और एक और आपको एक वाशर बनाना है ओरिंग। देखिए मार्कर पेन है ये, ठीक है, तो मार्कर पेन है, इसमें हमें एक ओरिंग बनाना है छोटा सा। अगर ये ओरिंग ठीक है, बहुत मोटा नहीं बनाना है, नहीं तो पानी ब्लॉक हो जाएगा। अगर आपको लगता है फिर नहीं कट रहा है, तो आप थोड़ा सा मोटा और कर सकते हैं बाद में, इसको बाद में ओरिंग को थोड़ा मोटा कर सकते हैं, अभी हम इतने ही बनाएंगे पहले। वैसे इतने में ही काम कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत ज़्यादा गैप नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा गैप होता है, तो हल्का फुल्का वाशर बनाने से हो जाता है। अभी मार्कर पेन है, इस पर हम इसलिए लपेट रहे हैं कि ये ओरिंग हमारा पूरा राउंड शेप में बन जाएगा ठीक से, और साइज़ का बन जाएगा, ठीक है। ये मार्कर पेन है, ये तो जनरली सबके पास होता है, तो ये देखिए मैं इस पर जो है, इस मार्कर पे जो है हमने इसको टैप राउंड को लपेटा और ये गोल एक राउंड टो बन गया। मेरे चैनल पे आपको इस तरीके का जो भी, इस तरीके से रिलेटेड, इन सब से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं मेंटेनेंस के, वो सभी लगभग मिल जाएंगे। कभी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट में जाके आप मुझसे शेयर कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम, और मेरे पास वीडियो होगा तो, नहीं होगा तो भी मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बना दूँगा। देखिए ये हमने ओरिंग बनाया है, ये ओरिंग लगाने की तब पहले तो सबसे पहले आपको क्लीन करके लगाना है, क्लीन करने के बाद जब नहीं ऑटो कट होता है, तब ये सब चीज़ें आपको ये दो जगह ओरिंग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ऑटो कट हो जा रहा है तो फिर ये ओरिंग वगैरह आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये तो आपका जो है, जब लास्ट में नहीं हो रहा ऑटो कट, तब देखिए ये ओरिंग बन गया हमारा, और ये ओरिंग को देखिए हमने ये अंदर की तरफ लगाना है। ध्यान रखिएगा ये ब्लैक कलर का जो वाशर है, इसमें अंदर की तरफ लगाना है, कहीं आप गलती से बाहर लगा देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसको मेन ध्यान रखना है आपको लगाना कहाँ, ये अंदर के हिस्से पे इस तरीके से, देखिए इस तरीके से लगाना है, सेंटर का जो होल है ना उसके किनारे किनारे इस तरीके से लगाना है। ये बाहर का हिस्सा है, यहाँ नहीं लगाना आपको, अंदर की तरफ इस तरीके से देखिए अंदर लगाना है इसको, ठीक है। जैसे इसमें लगाया हमने वैसे आपको इसको लगाना है,
वैसे ये जो ब्लैक कलर के वाशर हैं इनके थिकनेस बहुत मोटे होते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, रिपेयर हो जाता है तो अच्छा खासा चलता रहता है, लाइफ इसकी अच्छी हो जाती है फिर। नहीं तो ये इनलेट वाला आपका 1200-1400-1500 रुपए का इनलेट वाला आता है, हर साल आप ख़राब होगा, बदलते रहेंगे तो कितने पैसे आपके खर्च होंगे। और ये 10 मिनट का काम है आपका, ये तो आपको 10 ही मिनट लगेगा करने में, 10 ही 15 मिनट लगेगा। थोड़ा सा हमने आपको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा स्लो बनाया है ताकि सारी चीज़ें समझ में आ जाएं क्लियर। देखिए फेविक्विक लिया हमने, इसको फेविक्विक ले करके देखिए इसके किनारे किनारे भी लगाना है, जो वाइट कलर का हमने टेफ्लॉन टेप का लगाया है इसको। इसमें सॉफ्टनेस की ज़रूरत नहीं है, खाली पैकिंग है ये। इतना बड़ा वाशर आपको कहीं मिले तो आप लगा सकते हैं, ये तो हमने इसलिए बताया है कि कहीं मिलता नहीं है किसी के पास। देखिए ऊपर से भी टेफ्लॉन टेप लगाना है, फेविक्विक लगाना है इसके ऊपर भी और साइड से भी, ठीक है, हल्का हल्का, ताकि ये फिक्स हो जाए उसी एक जगह पे। ये हमने वाशर इसलिए बनाया है कि वाशर मिल नहीं पाता। वैसे हम लोगों के पास छोटा मोटा वोरिंग होता है रबर का तो हम लोग लगा देते हैं, बनाते नहीं हैं, लेकिन ये आप लोगों के लिए मैंने बनाया है कि आप कहाँ ढूंढेंगे, नहीं मिल पाएगा आपको, तो आप इस तरीके से बना के लगा सकते हैं, ठीक है। और इसको आपको जब तक ये सूख ना जाए पूरी तरीके से आपको लगाना नहीं है, इस तरीके से आपको सुखाना है इसको, ठीक है। अब वो इस पर चिपक गया है और वाशर के ऊपर ऊपर भी हमने फेविक्विक लगा दिया है, वो भी टाइट हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको, क्योंकि वो फेविक्विक लगाने से उसका जो जो हमने लपेटा है वो टेफ्लॉन टेप खुलेगा नहीं कभी, वो उसी गोल राउंड शेप में ही चिपका रहेगा उस पर। अब इसको मैं थोड़ा सा हवा देके सुखा रहा हूँ। लगाने के बाद आप 10-5 मिनट छोड़ दीजिए, थोड़ा सूखने का टाइम दीजिए उसको। देखिए इस तरीके से मैंने किनारे से भी लगा रखा है फेविक्विक और ऊपर भी लगा रखा है इसके फेविक्विक, ताकि ये टाइट हो जाए पूरी तरीके से। और वैसे भी निकलता नहीं है क्योंकि अंदर जगह नहीं होती है, लेकिन फेविक्विक लगा के जब आप इसको अच्छी तरीके से सूखने देंगे, सूख जाएगा पूरा प्रॉपर ये, तो जो है ये वैसे लॉक हो जाता है वहाँ पर, पिन होल बीच सेंटर में पिन होल फंस जाता है, तो आपको जो है दिक्कत नहीं आएगी, ये निकलेगा नहीं कभी, एक जगह पे फिक्स हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं बता, ये इसके ऊपर ऊपर भी लगाना है आपको, ये जो व्हाइट कलर का रबर बनाया हमने ना, इसके ऊपर ऊपर भी थोड़ा थोड़ा फेविक्विक हमने लगाया इस तरीके से, और थोड़ा थोड़ा किनारे से भी लगाया है, ठीक है, किनारे से और ऊपर से, ताकि ये जो है प्रॉपर इस पर चिपका रहे और टेफ्लॉन टेप खुले भी ना, ठीक है, वो अपने आप खुलेगा भी नहीं। और जब तक ये सूख नहीं जाता पूरा, तब तक आपको उसको फिट नहीं करना है, ठीक है। अब इसको पूरा सुखाना है, अब कभी ऐसा होता है कि प्रॉब्लम कुछ और होता है और ओवरफ्लो और जगह से होता है, तो उसका वीडियो तो है मेरे चैनल पे, इसमें मैं ऐड करता तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता, तो मैंने इसमें सिर्फ ऊपर से जहाँ जेन्युइन जो प्रॉब्लम आती है जनरली ज़्यादा। देखिए ये बाहर का हिस्सा है, गलती से आप इधर मत लगाइएगा, इसको पूरा आप क्लीन कर देंगे साफ़ करके, ये बाहर का हिस्सा है सिर्फ, इसको आपको साफ़ करना है, यहाँ कुछ नहीं लगाना, ना फेविक्विक भी नहीं लगना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, ये फेविक्विक बिल्कुल यहाँ पे नहीं लगना चाहिए कहीं पे भी, सिर्फ अंदर आप बहुत केयरफुली लगाइएगा, अंदर लग जाए बस, बाहर बाहर जो है जो हिस्सा बेस है इस बेस पे नहीं लगना चाहिए, नहीं तो वहाँ से एयर लीक करेगा, ऑटोकट कभी नहीं होगा, सिर्फ अंदर लगाना है, ठीक है। तो इस तरीके से लगा के देखिए, इस तरीके से हमने लगा दिया और ये
जैसे ये पहले फिट था वैसे हमने फिर इसको फिट कर दिया। देखिए ये हमने इसको फिट कर दिया, ठीक है। अभी आपका पूरी तरीके से फिट हो गया, अभी वॉशर कभी निकलेगा नहीं, ठीक है। ये वॉशर आप बहुत मोटा भी नहीं लगाना है, आपको बहुत मोटा नहीं, थोड़ा सा दो चार राउंड का बनाना है, लगा देना है, ऑप्शन रहेगा आपके पास। अगर फिर भी दिक्कत होता है तो हल्का सा पतला सा और बना के लगा सकते हैं आप उस पर। मोटा बाद में एक्स्ट्रा करने का ऑप्शन तो है, लेकिन पहले ही ज़्यादा लगा देंगे तो दिक्कत होगी, और फिर आपको इसी तरीके से रखना है इसको। जैसे आपने खोला था वैसे फिट करना है। कभी इन केस खोलने में प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझसे, जो खोलने का वीडियो है वो आप ले सकते हैं मुझसे। देखिए इस तरीके से नीचे दबा के, प्लास से नहीं दबाना है बिल्कुल, सिर्फ नीचे दबा के इशारे से घुमाना होता है, इशारे से घुमाना है आपको। और देखिए ये पिन होल जो है उल्टा और सीधा देख लीजिए, ठीक इसके अपोजिट रहेगा जहाँ पे है पिन होल। देखिए ये रबड़ लगा हुआ है, ये देख लीजिए जो उसमें पिन होल लगा हुआ है, पिन होल इस तरफ आएगा, ठीक है, उस रबर के नीचे। कई बार उल्टा लगा देने से भी नहीं होता, तो उल्टा सीधा इसका आपको ज़रूर ध्यान रखना है, फॉलो वैसे ही करना है, या फिर लगाते समय जो है एक बार आप नोटिस कर लें कि आपने कौन कौन सी चीज़ें कैसे खोली है, वरना आपको कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप वीडियो, ये ढक्कन है देखिए, कैप है, कैप आप लगाएंगे तो भी कोई इशू नहीं। देखिए एक हमारे व्यूअर ने बताया था कि ये हमारा गिर गया है, तो इसको गिरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ये जो यहाँ लगा हुआ है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये कैप है, इसको आप लगाएंगे तो भी ठीक है, नहीं लगाएंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर ये कैप है तो ठीक है, आप इसमें लगा दीजिए, नहीं है तो कोई इशू नहीं है। नहीं भी लगाते हैं तो इस कैप का कोई मतलब नहीं है, इसको खाली जो है एक पैकिंग है। तो इस तरीके से आप